खड़ा नहीं हो पा रहा है। शुगर गिर गया, ऐसे रखता है। कहाँ कटा था? देखिए यही हवा को भर दिया था तो उसमें भेलवा तटा के दे दिए थे, गरम तेल करके दे दिए। देखिए वहाँ जो कटा था जख्म हो गया था ना, थोड़ा सा हुआ था, ज्यादा नहीं, थोड़ा खून निकला था। वहाँ हम लोग भेलवा नहीं होता है, जानबे करते हैं, उसको तेल गरम करके डाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी देख रहे हैं एक बकरी का बच्चा है जिसको कुत्ता बाइट किया था। हम जानते हैं कि कुत्ते के पास एक रेबीज नाम का बैक्टीरिया होता है, वो किसी को बाइट करता काटता है तो उसमें रेबीज फैल जाता है। और रेबीज ये सभी कुत्ते में नहीं होता है, ये जिस कुत्ते में ये रेबीज का बैक्टीरिया होता है, रेप्टोवायरस होता है, उन्हीं के उसी कुत्ते के पास रेबीज होता है। और ये किसी को काटता है, चाहे इंसान को, जानवर को, किसी को भी काटता है, उसमें ये रेबीज फैल जाता है। रेबीज जैसे ही फैलता है, ये 7 दिन से लेकर के 19 साल के अंदर में कभी भी, अगर हम इंसान को आज काटता है, ये 19 साल के अंदर में कभी भी दिखाई पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जाके झाड़ फूक मंत्र करके ये थाली बैठा लेते हैं, आप सोचते हो खींच लिया, ये बकवास पूरा सरासर, ये गलत है। और ऐसा कभी होता नहीं, ना थाली झाड़ खींच सकता है, ना उसका पास एक सकर पाम्प होता है। तो इसीलिए कभी भी कुत्ता काटे, आप सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त मिलता है आपका रेबीज का इंजेक्शन, और ऐसे प्राइवेट में भी मिल जाएगा आपको इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन आपको 6 डोज ले लेना है। इससे क्या होगा, इसका जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो आज आपको नहीं, अगर आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा तो आज दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कभी भी दिखाई पड़े। आप देखे होंगे मेरा वीडियो में बहुत सारा बच्चा कुत्ते की जैसा भौंक रहा, पागल हो गया, और उसका कोई दवाई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं इसको बचा सकता। बचा तभी सकता है, आप खुद बचा सकते हैं अपने आप को। आज काटा, आज जाके 24 घंटे के अंदर में आप इंजेक्शन ले लीजिए, उससे आप बच सकते हैं। और 2 महीना हो चुका है, ये बकरी अभी खाना खा रहा, ये सबूत है कि इसको रेबीज हुआ नहीं। अब रेबीज होता तो ये इसका लार टपकता, आँख बाहर आ जाता है, और रोशनी को जब भी देखता है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, रोशनी देखता है तो डरता है बहुत तेज़ी से, पंखा चलता है तो उससे उसको भय लगता है, उसके साथ साथ पानी नहीं पी पाता, और उसका मुंह से कुत्ते के जैसा आवाज़ निकलता है। तो ये होता है जब रेबीज फैल जाता है पूरे शरीर में, तो उस समय में इसके गले में दर्द होता है, और पानी भी नहीं पी पाता, खाना भी नहीं खा पाता है। और उस समय में वो देखिए, ये देखिए इसको खिला रहे, खाना खा रहा है, इसका मतलब इसको रेबीज नहीं फैला है। चाचा थोड़ा बकरी को खड़ा करवाइए, तो खड़ा करवाइए, थोड़ा सा नहीं खड़ा हो पाना ना, इसको रेबीज तो फैला नहीं, लेकिन बड़ा पटक दिया कुत्ता जब इसको पकड़ा था, उस समय में इसका साथ घिसना, रगड़ घस करना, उसके बाद हो सकता है इसका हड्डी में कहीं चोट लगा होगा या नास में, जिसके कारण ये खड़ा नहीं हो पा रहा, लेकिन खाना भी खा रहा और ये पैखाना लेटिन भी हो रहा है। इसका मतलब पूर्ण रूप से स्वास्थ्य है, खराब नहीं, लेकिन ये पैर हाथ इसका इससे काम नहीं कर। इसीलिए जो है आपको कभी भी ये कुत्ता काटे, या कुत्ता खाली नहीं, वो कोई भी जानवर, कुत्ता हो चाहे दूसरा लोमड़ी हो, सियार हो, तो हर जानवर में रेबीज रेप्टो वायरस हो सकता है। तो इसीलिए तुरंत जो है सबसे पहला पानी से बढ़िया धो दीजिए, और एक टीटी का टेटनस का इंजेक्शन लीजिए, और सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ जाइए, और वो आपको इंजेक्शन देगा। वो इंजेक्शन देगा 6 डोज का, वो उसका अलग अलग डे पड़ता है, और उसके बाद आपको पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि ऐसा नहीं कि 2 वैक्सीन लिए और फिर इसका बाद छोड़ दिए, नहीं। देखिए मैं भी बचपन में, मुझे भी कुत्ता काटा था, उस समय में गांव में था तो वहां भी हमको थाली बैठाने का प्रथा किया, लेकिन इसलिए हम बच गए कि उस कुत्ते में रेबीज नहीं था। अगर उस कुत्ते में रेबीज होता तो 19 साल के अंदर कभी भी मेरा साथ होता तो हम उस समय जब फोबिया हो जाता तो हमको कोई नहीं बचा पाता। ब्रह्मांड में आप खरबों रुपये लगा दीजिए तो आपको कोई नहीं बचा पाया। अमेरिका में भी इसका नहीं है ट्रीटमेंट, नहीं, तो इसलिए ट्रीटमेंट तभी है 24 घंटे के अंदर में इसका आप इंजेक्शन ले लीजिए। हम बहुत सारा वीडियो में दिखाए, वो चलो पागल होके कुत्ते के ऐसा एटीट्यूड कर रहा, भौंक रहा, दूसरे को काट रहा, और इसको जब हो जाता है, उस समय एक जानवर था, बड़ा सा एक बैल था, जिसको ये वायरस हुआ था, होने के बाद उसको गोली मार के मारा गया। उसके बाद उसका जो जिस घर में रहता था उसका पूरा जो ढलाई प्लास्टर था उसको पूरा तोड़ा गया, और पूरे घर को नया तरीके से बनाया गया। नहीं तो उसका जहाँ जहाँ जर्म्स लगता है बॉडी में, वॉल में, वो दूसरे कोई जानवर चाट लगा उसमें भी ये बीमारी आ जाएगा। तो इसलिए आप सब सतर्क रहे, और ऐसा बीमारी फैलने से आप रोके, आप खुद जो है जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।